What's up guys, welcome to JKSSB online tutorial. मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं free current affair top most MCQ for your upcoming JKSSB exams like for VLW Patwari. Alright, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप मैसेज करें 7006332724 पे और ज्वाइन करें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अवार्डेड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडियन यूके अचीवर ऑनर्स। बताइए कौन से ऐसे पर्सन है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है इंडिया यूके अचीवर्स द्वारा। तो आई थिंक आप लोगों ने इमेज देख के तो एनालाइज कर ही दिया होगा। जी हां, आप सही हैं बिल्कुल। इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या आंसर है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वो दिया गया है इंडियन यूके अचीवर ऑनर द्वारा। कहां पे? लंदन में। क्यों दिया गया है? जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में ओके कंट्री की, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड विद द बजट ऑफ 2023। 2023 के बजट के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बताइए हाउ मच मनी, कितना पैसा जो है वो एलोकेट किया गया है, मतलब बांटा गया है किसके लिए? टू रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना ओके किसके लिए? सुधार द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, मतलब कि MSME बेसिकली एक गवर्नमेंट के एक आप लोग कह सकते हैं एक ब्रांच है जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बनाई गई है, उनको उनको मनी प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। ऑलराइट, तो बेसिकली कितना अमाउंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 के बजट में इसकी क्रेडिट गारंटी स्कीम में सुधार लाने के लिए कितना अमाउंट जो है MSME के लिए एलोकेट किया है? इसका आंसर है 9000 करोड़। क्या आंसर है? 9000 करोड़। ऑलराइट, देखो 1 फरवरी 2023 को बजट जब मतलब सुनाया जा रहा था, एड्रेस किया जा रहा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा, तो इसमें इन्होंने 9000 करोड़ का जो क्रेडिट एलोकेट किया करा है टू रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म होता है चेंज करना, ठीक है, चेंजेस करना किसके लिए? द गारंटी, द क्रेडिट गारंटी प्लान फॉर MSMEs के लिए। क्लियर है? चलिए अब इसके मतलब अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर ये जो पॉलिसी है ये कब से लागू की जाएंगी? ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएंगी ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर बजट 2023। क्वेश्चन पूछा है कि अब जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम रखा है ITR के लिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, कितना टाइम जो है वो रिवाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू बजट 2023। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 16 डेज, मतलब 16 डेज जो है वो अब एवरेज प्रोसेसिंग टाइम होगा ITR के लिए, ठीक है, ITR फाइल करने के लिए। क्लियर है? तो आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2023 को जो बजट रिप्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में उसके प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वो अब 90 मतलब कम कर दिया गया, लोअर कर दिया गया है। पहले 93 था, अब उसको 16 डेज जो है वो कर दिया है ओके। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कहा निर्मला सीतारामन ने, जो FM है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेट करा है कि 45% जो ITR है वो हैंडल हुआ है विद इन 24 आवर्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन भी बजट 2023 के अकॉर्डिंगली है कि हाउ मच कैपिटल एलोकेटेड टू इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट करा है बजट 2023 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2.40 लाख करोड़। कितना? 2.40 लाख करोड़। ऑलराइट, तो इतना अमाउंट जो है 2.4 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट करा है रेलवेज के लिए, और ये एक लार्जेस्ट एलोकेशन है, मतलब एक बहुत बड़ी एलोकेशन जो है वो नेशनल ट्रांसपोर्टर्स के लिए बनाई गई इस बार। क्लियर है? तो आप सभी को पता ही है, अगर हम बात करें 2000 लास्ट टाइम के अगर हम टोटल की बात करें तो दैट वाज 1.37 लाख रुपीस, बट इस साल 2.40 लाख रुपीस जो है लाख करोड़ जो है वो एलोकेट करा है इंडियन रेलवेज के लिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
शांति भूषण, जिनका अभी रिसेंटली मतलब जिनकी डेथ हुई है, आपको बताना है कि ये कौन से मिनिस्टर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज लॉ मिनिस्टर, ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रहे हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं। ऑलराइट, और नोएडा में इनकी डेथ हुई है, 97 ईयर ओल्ड थे ये। आपको इतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि ये भी आपके बजट 2023 के अकॉर्डिंगली है कि कितना, हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट। 2023 के बजट के अकॉर्डिंगली कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 50। ऑलराइट, 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन जो हैं वो सिलेक्ट करे गए हैं इस बार डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि विच स्टेट्स W won the People Choice Award at 74 Republic Day Parade। अभी जो 74th Republic Day Parade हुई, आपने लास्ट देखा था कि फर्स्ट प्राइज जो मिला था, फर्स्ट W अवार्ड जो था वो दिया गया छत्तीसगढ़ को, राइट? तो अभी इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि People Choice Award जो है वो किनको दिया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। क्या आंसर है? गुजरात। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने इशू किया है एक नोटिस किसके लिए। पाकिस्तान को एक नोटिस जो है वो इशू किया है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960s इन दिस वाटर्स ट्रीटी। ओके, मतलब कि कौन सी कंट्री ने, अब आपको पता ही है जब बात इंडस ट्रीटी की है तो इंडिया की सुबह और कौन दे सकता है। तो खैर इंडिया ने नोटिस जो है वो दिया है पाकिस्तान को, ताकि जो भी इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी 1960s में, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करी जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करने जा रही है 15वीं ब्रिक्स समिट 2023 में। 2023 में कौन सी जो सिटी है वो 15वीं ब्रिक्स समिट को होस्ट करने जा रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डरबन। क्या? डरबन। डरबन की अगर हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका की सिटी है। ओके, और अगर लास्ट टाइम अगर देखें तो 2013 में फिफ्थ जो एनुअल मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की वो हुई थी, मतलब आज से 2023 में होने वाली है डरबन साउथ अफ्रीका में, तो जो इससे पहले हुई थी वो 2013 में हुई थी। ओके, और अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो ये कब फाउंड हुई थी, इट वॉज फाउंड इन 2016। आप सभी को पता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कितनी कंट्रीज का, दैट इज 1 2 3 4 5। ऑलराइट, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये कंट्रीज़ के नेम है और इनके नाम पे ही जो ब्रिक्स नाम है ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली डिक्लेयर 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹32.25 करोड़। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली क्लियर करा है 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी कीमत है 32.25 करोड़ रुपए की। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। क्या आंसर है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो भाई साहब ये इसके आगे की अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है ये वेरियस कैटेगरीज में इसमें इंक्लूडेड है, लाइक स्पेशलिस्ट फाइबर, प्रोडक्टिव टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल टेक्सटाइल। तो ये सारी चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करके अगर हम देखें तो 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ थी 32.25 करोड़, तो ये रिसेंटली क्लियर करी है कौन सी मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। ओके, तो चलिए आज का इतना ही था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। करंट आप लिख सकते हैं JKSSB करंट अफेयर बाय सतीश सर, ठीक है? अगर आप कमेंट करना ही है तो ये वाला कमेंट कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने हेडलाइन देखा है। ऑलराइट, बाकी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं भाई लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक से क्या होता है कि बाकी लोगों तक भी चीज़ रीच होती है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।